लिया नाम दिल से हुजूर का, मुझे यूं लगा कि वो आ गए। झोंका उठा एक नूर का, मुझे यूं लगा कि वो आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मद वाला आलेही वसहबेही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मद वाला आलेही। गेट नंबर 338, ये ऐसे जैसे हमारा गेट है। मतलब जब से मैं, माशाल्लाह सरकार ने जब से कर्म किया है और मैं रेगुलरली आ रही हूँ, तब से मैं इसी गेट से आती हूँ कि इस गेट के सीधा बाहर सामने हमारा होटल दरा तैयबा, हम वहीं पे ठहरते हैं और वो बहुत क्लोज़ है लेडीज़ गेट के। और यहाँ से ये देखें, ये पूरा सहन है। ये गुंबद की पिछली वाली तरफ है लेकिन लेडीज़ के लिए आसानी है, क्योंकि लेडीज़ गेट है सारा। और यहाँ से जब आप अंदर जाने लगते हैं तो गेट नंबर 25 है, यहाँ से 24-25 मस्जिद के अंदर जाने वाला गेट जहाँ पे हम जाते हैं। सो ज़ोर की अज़ान, जमात हो रही है, अब स्टार्ट हो गई जमात। ये मस्जिद नबवी का अंदर का मंजर है जो हर आशिक, जिसका आशिक है इस मंजर का और बार बार देखना चाहता है। सो मैं आपको ये पूरा एक टूर करा रही हूँ। ये एक्चुअली वीडियो मेरी अपनी मेमोरी के लिए है, ताकि मुझे जब भी मदीना याद आए मैं इसको देख सकूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करें। हो तमन्ना क्या जाने, तमन्ना आप हैं, हो तमन्ना क्या जाने, तब आप हैं क्या करूँगी लेके दुनिया मेरी दुनिया, आप हैं हो तब से पहले नजर में कुछ न था अपने सिवा, अब जिधर भी देखती हूँ जलवा फरमा आप हैं, हो तमन्ना क्या जाने, तमन्ना आप हैं। शर्म आती है मुझे
मुझे अपने से भी कहते हुए आपसे कैसे कहूँ के मेरे लिए क्या आप हैं हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं क्या करूँगी कि दुनिया में मेहंदी टाइम Mehndi, Bana is getting her Mehndi done in Medina Sharif. Faria is getting her Mehndi done, inshallah. After this, she will have her own Shadi's Mehndi very soon, inshallah, inshallah. In Medina. ये देखिए जी, ईद नमाज होटलों के बाहर रश लगा हुआ है और ईद नमाज पे मस्जिद नबवी तो फुल हो चुकी है, बट यहाँ पे देखें जरा हम भी होटल के बाहर ही नमाज पढ़ रहे हैं, वेट कर रहे हैं नमाज का। ये देखिए सब बंद कर दिया इन्होंने, ये सारी ये देखिए। ईद का दिन है, मैं अभी को सुबह ईद की नमाज़ पढ़नी थी इसलिए मैंने इतना मेकअप नहीं किया, मतलब इतना क्या मतलब किया ही नहीं है, देख लें आप। सो मैंने सोचा कि मैं आराम से तैयार होंगी, बट नए कपड़े पहन लिए, नहा के ईद की नमाज़ पढ़ ली है। बट इस वक्त इतनी रौनक है यहाँ पर मस्जिद नबी में, और आप मदीना में देख सकते हैं एवरीबडी इज़ ऑल ड्रेस्ड अप। बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे। मेरी बेटियाँ जो है ना, मेरी बेटी फातिमा है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई हुई, गला बहुत ख़राब है, उसलिए मैं उसको उठाया नहीं, वो थोड़ा लेट उठेगी। बट ऐसी रौनक है माशाल्लाह, छोटे छोटे बच्चे सब टॉफ़ीज़ बांट रहे हैं, चॉकलेट्स बांट रहे हैं और क्यूट लग रहे हैं, इतना प्यार होकर सुबह सुबह फिर रहे हैं। एंड देट कलेक्टिंग टॉफ़ीज़ विच आई हैव कलेक्टेड कॉ टॉफीज इज़ वेल, मैंने बांटी भी हैं और कलेक्ट भी की हैं अपने बच्चों के लिए। सो एक इतनी मुसरत है, इतनी हैप्पीनेस है, आई कॉन्ट टेल यू, इट्स इन द एयर, एवरीबडी इज़ हैप्पी हैप्पी एंड सब ईद में, मतलब ईद मिल रहे हैं, अनकंडीशनल लव, द वाइब आर सो हैप्पी, एवरीबडी इज़ सो पॉजिटिव और सब बहुत खुश हैं कि रसूलुल्लाह के पास ईद मना रहे हैं। और मैंने तो रसूलुल्लाह से कहा है बस मुझे तो उनसे ईद ही चाहिए और आई एम श्योर कि बेहतरीन ईद ही मिलने वाली है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये मैं अपने होटल के बाहर से बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने ये देखिए मस्जिद का ना एंट्रेंस बंद की हुई है कि बहुत ज़्यादा लोग होने की वजह से, पीपल आर वेटिंग, वो लोग अंदर से नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे हैं और जब भी थोड़ा हो जाएगा तो फिर वो जो है वो खाली कर देंगे, ठीक है जी। और ये देखिए जी, ये है दरा तैयबा। आई वुड डेफिनेटली डेफिनेटली रिकमेंड एवरीबडी हूएवर इज़ विद स्पेशली फैमिली और लेडीज़, बेहतरीन होटल है। हम जितने भी सालों से यहाँ पर आते हैं हम यहीं पर रहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट होटल, माई फेवरेट, वेरी कन्वीनियंट। यहाँ से सीधा 338 गेट नंबर है और वहाँ से गेट नंबर 25 से जो है आप सीधा लेडीज़ गेट से इंटर हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज़ एंड वाओ, व्हाट एन अमेजिंग टाइम यू आर हैविंग। तो अभी मेकअप के बगैर आप मुझे देख लें, उसके बाद मैं मेकअप के बाद आपको दिखाऊंगी कि मैं तैयार होकर कैसी लग रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, ज़िंदगी रही तो फिर बात होगी, स्टे ट्यून्ड, ईद मुबारक। मदीना के कबूतर, उफ, काश काश मैं भी एक कबूतर होती, उड़ के अपने आका के पास तो जा सकती। और क्या पता कि ये कबूतर कौन है। अच्छा जी, रोज़े रसूल पे हाजिरी, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जी जान दे, कुछ क्या है? नहीं नहीं, 6 बजे। सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आज ये आखिरी सुबह है, हम शाम को चले जाएंगे और अब रात को मैं यहाँ पे
अलविदा कहने आई हूँ, जो कि सबसे मुश्किल काम है। Saying goodbye to Rasulullah is the most difficult one. जैसे एक बच्चे को एक माँ से कोई दूर ले जा रहा हूँ। दुआ के साथ क्या कर फिर जल्दी बनाएंगे। इस वीडियो का एंड मैं दुआ पे करूंगी, आप सब भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم كما باركت على السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے سب فینز، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور رمضان کی یہ تقریباً یہاں پہ آج 29 کی رات ہوگی مدینہ شریف میں، اور ختم القرآن شریف کی دعا بھی ہوگی۔ بہنوں ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، وہ ادھر تو آپ لوگ عبادات کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے۔ بہنوں پلیز نہ کرو، دیکھیں یہ مجھے ویڈیوز، آپ کہتے ہیں نا کہ میں ولاگ نہیں بناتی، میں ولاگ اس لیے نہیں بناتی کہ ڈڈو جو ہے نا یہ مجھے ولاگ بنانے نہیں دیتے۔ جو میرے بچے ہیں نا، جاؤ علی رضا بلا رہا، جاؤ تو جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ تو آپ اس عشرے سے جو ہے نا خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں۔ میں مدینہ شریف میں ہوں جی، آخری عشرہ الحمدللہ ہم نے پوری فیملی کے ساتھ یہاں گزارا، اور سب کے لیے بہت دعائیں کیں، یہ خود کے لیے بھی دعائیں کیں۔ اور ایک منظر ہی ہوتا ہے اور ہوتا ہے مدینہ شریف کا، نہ کوئی فکر ہوتی ہے، نہ کوئی فاقہ ہوتا ہے، نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے، بس نمازوں کی فکر ہوتی ہے۔ آپ بالکل دنیا سے الگ لگتا ہے، یہ اور ہی دنیا اور ہے، بالکل ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو میں نے سوچا آج ولاگ ریکارڈ کر کے یہ دعا آپ کو ضرور کراؤں، جو میں ہمیشہ کراتی ہوں، اور جو ہمیں ہمارے مرشد سر جاوید سے عنایت ہوئی ہے، ان کو ان کے مرشد سے بابا صفدر بخاری سے عنایت ہوئی ہے، جو کہ پیر کاکی تاڑ کے نام سے المعروف مطلب مشہور تھے، اور سورہ رحمان سے سر جاوید جو ہیں وہ تقریباً پچھلے 20 سال سے ساری بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں، جس میں ایڈز ہے، کینسر ہے، مطلب علاج اللہ تعالیٰ مطلب علاج کر رہا ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں اور اس سے بہت سارے لوگ کیور ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کرنا یہ آپ نے، کوئی سی بھی بیماری ہو آپ نے سورہ رحمان قاری عبد الباسط مصری کی آواز میں سننی ہے، 7 دن صبح دوپہر شام، 7 days صبح دوپہر شام آپ نے سننی ہے قاری عبد الباسط مصری کی آواز میں، ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں، وداؤٹ ٹرانسلیشن، کانسنٹریشن کے ساتھ، فوکس کر کے۔ کوئی بھی بیماری ہو، چاہے وہ جسمانی ہے، روحانی ہے، کسی طرح کا بھی مرض ہے، آپ پریگننٹ نہیں ہو رہی، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، آپ کی زندگی مسائل پھنسے ہوئے ہیں، کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، یہ تمام چیزوں کے لیے یہ حل ہے کہ 7 دن آپ سورہ رحمان سنیں صبح دوپہر شام، بیچ میں چھٹی نہیں کرنی، مطلب ناغا نہیں کرنا۔ اگر بیچ میں ناغا ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے ایک دن سن لی، دوسرے دن سن لی، تیسرے دن سن لی، تو آپ دوبارہ سے پہلے دن شروع کریں گے۔ آج میں آپ کو دعا کرا دیتی ہوں جی، چلیں دعا کرتے ہیں مل کے۔ اور پانی، کیونکہ ابھی تک میرا اس وقت روزہ ہے، پانی میں نہیں رکھ سکتی، لیکن ویسے یہ پانی کے ساتھ رکھ کرتے ہیں دعا اینڈ پہ۔ آپ جب اگر روزے کے بعد جو لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک آدھا گلاس پانی لکھ لیں، رکھ لیں، اور جب میں اللہ اللہ کہہ کے جب کہوں کہ جی 3 گھونٹ پانی پی لیں، تو آپ 3 گھونٹ پانی پی لیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیجیے، اپنے دل کی دھڑکنوں کی طرف دھیان دیجیے، اپنی سانس کو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے محسوس کریں۔ امیجن کریں کہ آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حضور پیش کر دیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو سن رہا ہے، وہ آپ کی شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جیسے ہیں ویسے پیش ہو جائیں، جسٹ پریزنٹ یور سیلف ٹوورڈز یور کریئیٹر۔ گندے ہیں، مندے ہیں، جیسے بھی ہیں، جیسے بھی ہمارے اعمال ہیں، وہ سب لے کر اللہ کے آگے پیش ہو جائیں۔ اپنے بڑی سے بڑی نیکی جس پہ آپ کو بڑا گمان ہے،
और अपना बड़ा से बड़ा गुनाह जिस पर आप बहुत शर्मिंदा है, जिस पर आप तन्हाई में भी बात नहीं कर सकते यार कि मैंने इनमें से कैसा गुनाह सरजद हो गया, वो पेश वो अल्लाह के हुजूर लेकर पेश हो जाए, शर्मिंदगी के साथ आजजी के साथ उसके आगे पेश हो जाए। अल्लाह ने हमें इतनी इनायतें फरमाई हैं, इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, आज अल्लाह को कोई गिफ्ट दें, अल्लाह को उसकी नादान मखलूक की माफ़ी दे दें। अल्लाह अपने हर बंदे से बहुत प्यार करता है, अपना दिल साफ कर लें। किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको बचपन में कोई तकलीफ़ पहुंचाई है, कोई ऐसा ट्रॉमा, किसी ने आपकी तनख्वाह नहीं दी, किसी ने आपका हक मार लिया, किसी ने आपकी शादी तोड़वा दी, या कोई भी ऐसी बात जो कोई भी है, आज उसको अल्लाह के लिए अब उसके हबीब के लिए माफ़ कर दें, दिल साफ़ करके अल्लाह के हुजूर पेश हो जाए। जब तक दिल साफ़ नहीं होगा तो अल्लाह का नूर आपके दिलों में नहीं आएगा। दिल साफ़ करके सबको माफ़ करके बड़े प्यार से, शदीद मोहब्बत से, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, तीन बार दिल में कहना है, मुँह से नहीं कहना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल लें, खातून लड़ रही, यहाँ पे लोग लड़ते भी बहुत हैं। अगर आपके पास आधा ग्लास पानी है, तो मेरा तो अभी रोज़ा है और आप रोज़े के बाद ये दुआ सुन रहे हैं, तो अपना आधा ग्लास पानी अपने हाथ में रख लीजिए, फिर से आंखें बंद कीजिए, बहुत मोहब्बत से, शदीद प्यार से, बहुत मोहब्बत से उसको पुकारना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तीन घूंट पानी पी लें और दुआ मांग के आंखें खोल लें। ये थी आज की दुआ, और चलें ये भी रिकॉर्ड में आया कि मस्जिद नबी में मैंने ये व्लॉग थोड़ा सा बनाया है और ये दुआ आपको कराई है। मेरे लिए दुआ करेगा, मेरे बच्चों के लिए दुआ करेगा, और ये भी दुआ कीजिएगा कि अब आप सबको और मुझे भी बार बार यहाँ पर आना नसीब हो। अपना बहुत ख्याल रखें, ज़िंदगी रही तो फिर बात होगी, मुलाकात होगी। ईद का फितराना देना ना भूलिएगा, ईद की नमाज़ से पहले दे दीजिएगा, चांद रात को दे दीजिएगा। ईदियाँ उन में ज़रूर तकसीम करने की कोशिश कीजिएगा जो कि अफोर्ड नहीं करते, और अपना बहुत ख्याल रखें, ज़िंदगी रही तो फिर बात होगी। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।
जब भी आप मदीना आए तो ये मदीना के कबूतरों को दाना ज़रूर डालें, एक तो ये सुन्नत है और दूसरा एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है और बंदा सोचता है कि काश हम भी मदीना के कबूतर होते और उड़ के सरकार के पास पहुंच जाते। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मैं बेकरार तो सारी मेरा बहार करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी मदीना कहाँ मैं बेकरार मेरा करार का सफर बार से है। अलविदा या रसूल अल्लाह, अंटिल वी मीट अगेन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आले मोहम्मद सल्ली अला।